फरवरी की जो घटना हुई है राज्यसभा के चुनाव में, वो भारत के इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा, काला दिन। ये लाइन सुनिए, गद्दारों के लिए लिखा है कवि ने, क्या पी के दूध फिर डसने की तैयारी कर दिए, हाँ तैयारी कर दिए, तो कुछ लोग ईमान बेच अंतरात्मा से गद्दारी कर दिए, कुछ लोग ईमान बेच गद्दारी कर दिए, अरे पी के दूध फिर डसने की तैयारी कर दिए, हाँ तैयारी कर दिए, तो कुछ लोग ईमान बेच अंतरात्मा से गद्दारी कर दिए, कुछ लोग हमें तो हंसी आ रही थी साहब। विधानसभा के गलियारे में जब मीडिया के लोग माइक उनके मुंह पे लगा रहे थे, एक मोहतरमा चना खा रही थी, चना ऐसे ऐसे मुंह कर रही थी, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, याद रखिए अखिलेश यादव नहीं होते तो आप एमएलए नहीं बनी होती, मैं डंके की चोट पे कहता हूं। और ये लाइन सुनिए, क्या साइकिल निशान पर वो बने थे विधायक, कुछ लोग गद्दारी कर दिए, मैं पूरा भली बात जानता हूं और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, हमें डर नहीं, जो मैं कहता हूं एविडेंस के साथ कहता हूं, ऊंचा हार, गौरीगंज, अमेठी, ये समाजवादियों की चायल, ये समाजवादियों की सीट है, सबसे ज्यादा बैकवर्ड लोग हैं, और फिर भी अपने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर लगातार आप लोगों को वहां से विधायक बनाने का काम किया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जिसका सिला आपने ये दिया। कितनी बड़ी थैली थी साहब, ये भी तो खुलासा करिए, कहे हम राम के शरण में गए, अरे राम के शरण में जाना था तो अयोध्या चले गए होते, भाजपा के पास क्यों चले गए साहब, कितनी बड़ी थैली थी, खुलासा करिए इसका। और सुनिए, आपके जाने नहीं जाने से समाजवादी पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता, समुंदर है समाजवादी पार्टी, आप जैसे लोग आते हैं जाते हैं, जो विश्वास पात्र रहेगा वो टिका रहेगा, जो टिकाऊ है वो टिकेगा, जो बिकाऊ है वो बिकेगा, और हम लोग टिकाऊ लोग हैं। भारत में इकलौते एक नेता है जिनका नाम अखिलेश यादव है, कैसे दुनिया में एक ऐसे नेता अखिलेश है, अखिलेश यादव।
ईमान बेच अंतरात्मा से गद्दारी कर दियो। और याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के पास लड़ने की कुवत और लड़ने की ताकत सबके छाती में नहीं है, पिछवाड़ा ढील हो जाएगा और आप नहीं टिक पाए, आप फेल हो गए इस परीक्षा में। जितना बड़ा सम्मान समाजवादी पार्टी ने आपको दिया, 24 घंटा आपके लिए पार्टी कार्यालय का गेट खुला रहता था, आपकी गाड़ियां सीधे अंदर एंट्री होती थी और आपने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। जनता भी तैयार है, जाइए जनता की अदालत में। अब जनता कैसे स्वागत करेगी ये जनता बताएगी और समय बताएगा आपको। इस बार ऐसी आत्मा का स्वागत करेगी कि ये भटकती आत्मा फिर कभी दिखाई ना दे पाए। जनता तैयार है, सुनिए ये लाइन क्या। हाँ हाँ, ये सली जो है वो बनके टीके है चट्टान जी।